नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम का पिछले 10 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके सरकार पर करप्शन के कई चार्जेस को लेकर ये लोग दिल्ली में हल्ला बोल कर रहे हैं। इन्हें यकीन है कि इनका ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार को विवश कर देगा और पेमा खांडू के सरकार पर सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी के लिए आगे आएंगे। आपको आज सीधे ले चलेंगे जंतर मंतर, जहां पर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। ये कहानी है ऐसे कुछ खास लोगों की जो अरुणाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए के घोटालों का पर्दाफाश करने के लक्ष्य के साथ 2400 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली पहुंचे हैं। इन 2400 किलोमीटर के सफर में अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों ने 1900 किलोमीटर की यात्रा पैदल की है। 21 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश से चलकर 25 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर परिवारवाद का आरोप है और ये आरोप अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के सदस्य लगा रहे हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर 25 सितंबर से ध्यान दे रहे हैं। इनका आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सरकारी सभी टेंडर अपने परिवार के लोगों को दिए हैं और इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। अब हम आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के किस सदस्यों के पास कौन सी कंपनियां हैं। पेमा खांडू की पत्नी सेरिंग डोलमा के पास ब्रांड एग्लेस, तवांग फेरो, सेला ट्रांसपोर्ट, पैरामाउंट इंटरप्राइज, फ्रंटियर एसोसिएट, अरुणोदय फेरो अलॉय, केंजामानी कंस्ट्रक्शन, रिक्सेल होटल और डोरजी खांडू एंड कंपनी समेत 10 कंपनियां हैं। वहीं मुख्यमंत्री पेमा खांडू के भाई जम्बेताशी की पत्नी सिंगलोमा के पास एसएस गोलेंग और ग्लोबल रॉयल कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनियां हैं। सीएम के भाई सिंगताशी की पत्नी नीमा ड्रमा के पास दो कंपनी एमएस अलायंस ट्रेनिंग और आरडी कैरेज है। सीएम के छोटे भाई पाशु खांडू के पास आरडी कंस्ट्रक्शन के नाम से एक बड़ी कंपनी है। अब आप ये भी जरा सुनिए, भ्रष्टाचार से परेशान अरुणाचल की जनता क्या कह रही है। ये अभी जहाँ पे हम लोग खड़ा कर रहे हैं ये पैकेज नहीं है, तो इसका आगे आपका निगमोई से आपका और डोके तक, ये आपका रागे डोके तक आपका पैकेज ही थे। क्वालिटी का बारे आपका क्वालिटी तो आपका मोर्ट लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मोर्ट का अंदर में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो नॉन टेक्निकल आदमी भी इसको देख रहे हैं कि ये क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रहे हैं और पब्लिक जितना चिल्लाने से भी ये तो सुनने वाला नहीं है। देखिए, लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के लोग पीडब्ल्यूडी, मॉल, सड़क समेत ज्यादातर टेंडर यही लोग लेते हैं, लेकिन सभी कार्यों में अनदेखी हो रही है। सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर एसीसी का आरोप है कि परिवारवाद कर सभी टेंडर पत्नी, भाई और परिवार को दिया गया और विकास कार्य में जमकर लूट मची। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू से सवाल किया जाता है तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जवाब चौंकाने वाला आता है। मैं खुद ही एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और कौन सा संविधान, कौन से कानून में ये लिखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सन का फैमिली लोग बिजनेस कर नहीं सकता। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत शामिल परिवार के लोगों पर सीबीआई की जांच बिठाई जाए और जब तक प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलकर ये ना कह दे कि परिवारवाद अब और नहीं, तब तक ये लोग दिल्ली से अरुणाचल जाने वाले नहीं है। तो 1900 किलोमीटर की पदयात्रा, ये कहने में जितना आसान है वैसे है बहुत मुश्किल, लेकिन इनका मकसद यही है कि जब तक सफलता हासिल नहीं होती ये वापस नहीं लौटेंगे। आज ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाईबंग जोरम, प्रेसिडेंट है अन्या के। बाईबंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेकन इंगू जी है हमारे साथ स्टूडियो में, वो AAC के लीगल एडवाइजर हैं, हम उनसे भी ज्यादा चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिया राणा भी बनी हुई है। प्रिया राणा, आपके पास मैं पहले रुक करने की बजाय मैं पहले बाईबंग जोरम के पास जाना चाहूंगी। बाईबंग जोरम जी, मैं सीधे तौर पर आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि ये उतना आसान नहीं है 1900 किलोमीटर की यात्रा तय करके आप आए हैं। पिछली बार भी जब मेरी आपके साथ चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि हम तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक केंद्र सरकार से कोई भी नेता आकर के हमसे मिल नहीं लेता, हमारी मांगों को सुन नहीं लेता। क्या आपको इस दौरान कोई सफलता हासिल हुई?
फिलहाल तक तो अभी तक कोई हासिल नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो अभी जितना आपको मैं हम लोग ने टीवी ने अपने शो किया, ये बहुत ही कमती है। जो हमारा जो अरुणाचल का जो मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू, ये सिर्फ सिर्फ नाम का अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है। बाकी जो है आपका, देखिए उसका तवंग डिस्ट्रिक्ट में जिले में आपका दो का आपका डिपार्टमेंट खोला है, डिपार्टमेंट क्रेडिट अध्यामिक का। उसका बाद में आपका डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट कामिक तवंग, और काफी सारा डिपार्टमेंट उसका साथ में उसका, और उसका मुंपा लैंग्वेज के लिए भी उसका काफी इसको फंड दिया जाता है, और तीन डिपार्टमेंट में उनको क्रेक करके काफी सारा फंड चला जाता है। और जो उनका जो तीन डिपार्टमेंट में काफी सारा इलीगल अपॉइंटमेंट होता है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट लोग को, बाकी जो अरुणाचल लोग को अरुणाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में दिया जाता है। मैं सीधा सा आपका जो नेशनल आपका जो मीडियम का आपका ये चैनल का माध्यम मैं सीधा मैं आपको पूछना चाहूंगा, हमारा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को, अगर आप, मैं आपको पहले आपका जितना भी आपका फैमिली बोलो जो बोलो, आपने तो पानी बेच दिया, नदी बेच दिया, हवा बेच दिया, इवन जहां तक भी अभी आपका जो अरुणाचल जो एपीसीएस का बोलते हैं हमारा, वहां से भी आपका जो पेपर तक भी जो क्वेश्चन पेपर को भी आपने बेच के आपका जो गवर्नमेंट ने कहा दिया, और आप बताए हमारा जो अनएम्प्लॉय लोग कहा जाएंगे आपका जो, आप ये बताइए। और हमारा जो नरेंद्र मोदी साहब जो उसका एक स्कीम है, आपका जो कुछ चीफ मिनिस्टर है हमारा पेमा खांडू, कुछ सेंशन करता है और कुछ अप्रूव करता है, कुछ पान को एनोगेशन करता है, जैसे अभी दिन दया उपाध्याय आप सोचिए, आप देखिए सारा अरुणाचल प्रदेश के लिए 142 करोड़ दिया गया है, तो इवन इसको सिर्फ तवंग एंड नमसाई में करके बाकी अरुणाचल को पैसा को बिल्कुल नहीं दिया, वो भी टेंडर उसमें सिर्फ किया है बोम दिला। जो नाराजगी है वो हम समझ पा रहे हैं, और इसलिए हमारा मकसद भी यही है इस कार्यक्रम के तहत कि आपकी नाराजगी तमाम नेताओं तक पहुंच पाए। हमारे साथ रेखा निंगू भी हैं, लीगल एडवाइजर हैं एएसी के। रेखा निंगू जी, इस दौरान क्या लीगल एक्शन लिया गया है? क्योंकि प्रदर्शन करना तो ठीक, वो आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन करेंगे भी तब तक करेंगे जब तक कोई नेता आपकी सुन नहीं लेता, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी कानूनी प्रक्रिया की, तो क्या आप किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़े हैं? हाँ जी, ये हमारा आप ऑलरेडी गुवाहाटी हाईकोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच में जो अभी हाल ही में जोराम जी ने बोला, उस विषय में 142 करोड़ आपका पावर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जन याचिका दायर करके रखा हुआ है। वो जन याचिका आपका 15/6/2022 को ढाला था, अब तक 3-4 सुनवाई हो चुके हैं, फिर भी गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक कुछ कॉन्क्रीट वो लोग का जो रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमें तो यकीन है कि हम पूरे दस्तावेज जितना रिलेटेड इश्यूज रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जहां जहां पे उन्होंने करप्शन किया है उन सबको, यानी कि आपकी आपकी ओर से पूरी तैयारी है, आपकी ओर से पूरे दस्तावेज है, ठीक है रेखन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रिया राणा भी लगातार बनी हुई हैं। प्रिया राणा, आप जहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले हमें तस्वीरें दिखाएं कि प्रदर्शनकारी कब से बैठे हैं, क्या उनकी मांगे हैं और किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि इन्हें 10 दिन लगभग यहाँ पर दिल्ली में हो गए हैं जो धरना दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं अरुणाचल प्रदेश से इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेके, और देखिए इनका कहना यही है कि पेमा खांडू के खिलाफ जो है सीबीआई और ईडी की जाँच की जाए, जिसको लेकर देखिए 10 दिन इन लोगों को यहाँ धरने प्रदर्शन पर हो गए हैं, लेकिन बावजूद उनके अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए बहुत सारे मेंबर्स भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? तो को शीतल। मैम 10 दिन आप लोगों को हो गए हैं यहाँ धरने पर बैठे हुए, इतनी दूर से आप दूरी तय करके आई हैं, क्या कुछ आपकी ऊपर तक आवाज अभी तक पहुंची? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि केंद्र सरकार से ईडी और सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, तो क्या कहेंगी, आपकी मांग ऊपर तक पहुंची? अभी तक फिलहाल हमें पता नहीं कितनी ऊपर तक पहुंची है, लेकिन एक प्रतिक्रिया आई है हमारे जो देश की जो लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्टर है श्री किरण रिजिजू जी, उनका एक स्टेटमेंट अभी वायरल हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि हमारी आवाज़ थोड़ी बहुत तो उन तक पहुंची ही होगी, और हम चाहते हैं कि पूरी आवाज़ पहुंचे उन तक। तो हमारे जी से पूछिए कि किरण रिजिजू जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या स्टेटमेंट है प्रिया? आरटीआई के जरिए हमने इसको निकाला है, और हमारे ये जितने लड़के यहाँ बैठे हैं, किरण रिजिजू जी ने आपको स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट आपको उनकी तरफ से मिला है? उन्होंने कहा है कि वो इस देश के मंत्री हैं और वो देश के काम में लगे हुए हैं, तो अपने राज्य के तरफ मुड़कर देखने के उनके पास टाइम नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनकी जो स्टेटमेंट है।
मैं इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले आपके आगमन से पहले भी मैं कह रही थी कि किरण रिजिजू जी, जिन राज्य के जनता ने आपको निर्वाचित करके दिल्ली भेजा, दिल्ली के आपको सांसद भवन में जिन्होंने आपका एंट्री कार्ड दिलवाया और उसके वजह से आप आज देश के मंत्री हो, पहले आप अपने घर को सुधार लीजिए, पहले अरुणाचल को आप सुनिश्चित कर लीजिए, उसके बाद आप देश की सेवा में लगिए। हम नहीं मना कर रहे आपको देश की सेवा करने से, आप देश की सेवा करिए और हम पूरे गर्व के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे आपके पीछे कि ये हमारा सांसद हमारे राज्य से चुनकर गया और देश का इतना बड़ा मंत्री में बैठकर वो पूरी देश की सुरक्षा कर रहे, देश की सेवा कर रहे, इसमें हमारा भी योगदान है, एक वोट मेरा भी, ये हम गर्व से कह सकते थे। लेकिन हम उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतने दिनों से, इतने महीनों से पैदल चलकर आकर ये बताने की कोशिश कर रहे कि ये सारे करप्शंस देखिए आप यहाँ से। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का काम संभाल रहा हूँ, अरुणाचल का काम पेमा खांडू साहब संभाल रहे। भाई आपने अरुणाचल में एक बागीचा खोल के रखा है, एक पैर लगा दिया, पैर की निगरानी नहीं कर रहे हो, कहीं कोई आके बैर बकरी ना खा जाए, ना उसमें खाद है कि नहीं, पानी है कि नहीं। उसी तरीके से आपका दायित्व बनता है कि अरुणाचल में जितने फंड्स आप भेज रहे हो उस फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है कि सही उपयोग हो रहा है, इसकी आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। और अभी हम यही कह रहे हैं कि आप जांच पड़ताल कीजिए, सीबीआई लगवाइए, ईडी लगवाइए। अगर आपका मुख्यमंत्री पेमा खांडू पाक साफ निकलता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी जितने वरिष्ठ वहां पे जितने सरकारी अधिकारी है, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्नोक्रेट्स है, हर एक डिपार्टमेंट राइट फ्रॉम द पीएचई टू पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी टू आरडी, जितने डिपार्टमेंट टूरिज्म फॉरेस्ट पावर, हर एक डिपार्टमेंट में गपलेबाजी करके कर, ये सारे गपलेबाजियों का पूरा ये लंबा कच्चा चीता पूरी जन्म कुंडली है। तो आप इस पे देखिए, ये पावर का स्कीम का, इसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का पर कितने हजार हजार करोड़, इन्हीं पैसों को गबन करके लेत दोरजी खांडू ने पैसा बनाया और उसके बाद अब इन पैसों पर पेमा खांडू का राज चल रहा है, इस तरह से जनता को लूट रहे। ये पेमा खांडू का हाइड्रो पावर में जितना उन्होंने जितना गपलाबाजी किया ये उसका सबूत है, ये डॉक्यूमेंट। और सबसे हैरानी की बात ये देखिए सुप्रिया जी, ये देखिए, ये जो है करप्शन प्रैक्टिस ऑफ दोरजी खांडू द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड पेमा खांडू द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्रेडिबिलिटी एट स्टेक, INC। ये किसने तैयार किया? भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको तैयार किया। और उसके बाद ये 2014 के इलेक्शन के टाइम यहाँ पे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का हस्ताक्षर है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ये पहले बता दिया था कि ये कितना गपलाबाज मंत्री है, कितना गपलाबाज एक राजनेता है, इनको जेल के अंदर डालना चाहिए पूरे सबूतों के साथ, उनके साइन एंड सील के साथ है। आज ये पत्रिका बनाने के बाद, इतनी मोटी किताब बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज किस लिए गूंगे है, किस लिए बहरे है, किस लिए अंधे है, काहे को इसी चोर को उठाकर आपने राजगद्दी पर बिठा के रखा हुआ है? ये मेरा सवाल है, हम सबका सवाल है, अरुणाचल प्रदेश के सवाल है, सारे जनताओं का सवाल है। इसीलिए हमें इससे मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, हमें सीबीआई चाहिए, ईडी चाहिए अरुणाचल में, इसीलिए हम यहाँ धरना पर डटे हुए हैं। यहाँ पर मैडम अभी एक स्पीच आपके द्वारा दी जा रही थी कि पीडब्ल्यूडी में जो है जो छोटे लेवल के अधिकारी हैं उनको एक बड़ी पोजीशन दे दी गई है और जो बड़े अधिकारी हैं वो खाली घूम रहे हैं। बिल्कुल, बड़े अधिकारियों को दरकिनार करके रखे हैं और जो छोटा नया जो प्रेस आता है उनको ऑफिस सेटिंग में एडोक बेसिस में उनको पोस्टिंग करके रखा हुआ है और बड़े अधिकारी को जिनको सीनियोरिटी के बेसिस में जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए उनको बाहर रखा हुआ है और जो छोटा में आया है जूनियर को उनको प्रमोशन करके उनसे ऊपर चढ़ा दिया गया है। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ करप्शन। और उसके ऊपर फिर उन्होंने एक ये ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया, कैबिनेट डिसीजन, उसमें उन्होंने बोला कि नहीं हमसे गलती हो गई, हम अपने फैसले को रोल बैक करते हैं, जो जिसका जैसा पद है हम उसको वहीं पर रखेंगे। उसके बाद वो रोल बैक का ऑर्डर पास हुआ लेकिन रोल बैक आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये हो रहा। और आपको बताओ मैडम जी हमारे क्या बोलना, आप खुलेआम अरुणाचल में अभी एक एक पेपर को 40-45 लाख में बिक्री हो रही है मार्केट में, और वो जो बिक्री हो रही है जैसे कि हमारा स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है, स्टेट में जो स्टेट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो एग्जाम होती है, जैसे यहाँ UPSC होती है वहाँ APSC होती है, उसका पेपर एग्जाम से पहले 45-40 लाख में एक एक पेपर बिक्री हो रहा है, बिक रहे मार्केट में, और उनमें से 5-6 लोगों को अरेस्ट करवाया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। उसके बाद बोलते कि उसके ऊपर हम CBI रेकमेंड करते हैं।
यार स्टेट पुलिस इतना बढ़िया काम कर रहा है, उन लोगों को अरेस्ट भी कर दिया, जेल में भी ठूस दिया, उस पे सीबीआई की क्या जरूरत है? जरूरत तो सीबीआई इस पे है ना, जिस चीज पे सीबीआई की जरूरत है उस चीज पे आप नहीं लगवा रहे हो। ये सारे हमारे डिमांड्स हैं, इस पे इन सारे चार्टर ऑफ डिमांड्स पे सीबीआई लगवाइए ना, इस पे ईडी लगवाइए, तब हम कहेंगे कि वाकई में हमारा जो मुख्यमंत्री है वो पाक साफ है। और प्रिया, आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन तो बहुत हुए हैं, और अगर प्रदर्शन का आधार अगर मजबूत हो तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। और जिस तरह से टोको शीतल बकायदा तमाम दस्तावेजों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ये तो साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है कुछ। और इस पर अगर वक्त रहते सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बड़ा खामियाजा भी आगे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रिया, तमाम और तस्वीरें भी दिखाइए कि कितने लोग यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल है, कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में देखेंगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये काला चिट्ठा बता रही है पेमा खांडू का, वो इन्होंने स्टेज पर ही लगाया। जो आप डॉक्यूमेंट्स देख रही हैं, इन्होंने प्रॉपर एक एक फाइल यहाँ पर तैयार की है। चाहे हम करप्शन की बात करें, और भी देखिए इन्होंने सर्जी स्कैम के, पावर स्कैम के, पंचायत स्कैम के, कैंपा फंड स्कैम के, सारी इन्होंने देखिए बकायदा उन्होंने पैसों के साथ यहाँ पर जो है लिस्ट भी लगा रखी है। तो देखिए हमें खुद ही ये सोचना होगा कि ये लोग कितने परेशान होंगे जो इतनी लंबी यात्रा करके ये यहाँ पर पहुंचे हैं, और 10 दिन इन्हें लगभग हो गए हैं, और केंद्र सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी जो है जांच की जाए प्रेमा खांडू की। तो देखिए हमें इस चीज को खुद ही समझना होगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश इन लोगों से करेंगे। कब से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? या धरने पे तो हम लोग 10 दिन ज्यादा हो गए। 10 दिन से ज्यादा जी। कितना क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार से कोई मदद आप लोगों को मिल पाएगी? हाँ, मिलना चाहिए, आखिरकार हम लोग भी इस देश के नागरिक, हम लोग भी यहाँ का आदमी है, क्यों नहीं मिलेंगे? हम तो कोई चाइना से नहीं आया, कोई आउट कंट्री से तो नहीं आया, मैं तो यहाँ का ही हूँ, मैं इंडियन की हूँ, जैसे भी हो। ठीक है आपके पास, प्रिया मैं लौटती हूँ आपके पास, रेखा निंगू जी भी है हमारे साथ, लीगल एडवाइजर है। रेखा निंगू जी, बहुत बारीकी से टोको शीतल जी ने समझाया कि हमारे पास तमाम दस्तावेज हैं, और तमाम दस्तावेजों में हमने पूरा डाटा कलेक्ट किया है कि कहां कहां कमियां हैं, कैसे कैसे कमियां हैं। इतने मजबूत दस्तावेज होने के बाद भी आपको किसी प्रकार की लीड हासिल क्यों नहीं हो रही है? क्या हमारी कोर्ट कचहरियों में किसी प्रकार की कोई कमी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुनवाई तो लगातार हो रही है, कहां कमी रह जाती है? देखिए हमारे जो फ्रंटियर स्टेट के लोग हैं, काफी गरीब लोग होते हैं, हमारे वहां पे हर इश्यूज को लेके कोर्ट में जाने का किसी के पास में इतना पैसा नहीं होते हैं। मानता है कि यहाँ पे आज का तारीख में कोई एडवोकेट्स होते हैं जो कि फ्री में भी काम करते हैं, उसको हम लोग प्रो बोनो एडवोकेट बोलते हैं, लेकिन हर चीज को तो प्रो बोनो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक पीआईएल तो देखे रखा हुआ है, और हम इंडियन जुडिशियरी सिस्टम को इतना विश्वास करता है कि उस पीआईएल में भी हम कामयाबी हासिल होंगे, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआईएल देखे रखा हुआ है जो कि पिछले 12 साल से सुनवाई नहीं हुआ, और ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का भी सुनवाई के लिए हमारे चीफ जस्टिस ने ऑर्डर बना के रख दिया है कि ये सुनवाई 2 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो उसमें भी मैं काफी विश्वास के साथ ये कह सकता है कि हम वहां पे भी हासिल कामयाबी जरूर हासिल होंगे, और हमारे गरीब लोग के जीत होंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। बाईबंग जोरम जी, सीधे तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एएसी तो चलिए अगेंस्ट अरुणाचल, अगेंस्ट करप्शन का नाम है, और अरुणाचल प्रदेश में जो भी करप्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट ये पार्टी लड़ रही है, लेकिन अन्य का इसमें क्या रोल है? देखिए ये मैं जब से हमारा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जब से ये इसमें ये चीफ मिनिस्टर कुर्सी संभाला, उसी से मैं करप्शन अगेंस्ट हमारा अन्याय जो हमारा ऑल निशी यूथ एसोसिएशन होता है, और हमेशा हमारा जो करप्शन के अगेंस्ट में लड़ते हैं, जो हम लोग ने करप्शन अगेंस्ट जो करने वालों को हम लोग अन्याय ने हम लोग हमेशा काफी सपोर्ट करते हैं, मैं सपोर्ट करके यहाँ तक मैं दिल्ली का हमारा भारत का राजधानी तक मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो अब देखिए हमारा अरुणाचल में कितना पॉपुलेशन है, हमारा वहाँ 14 लाख का पॉपुलेशन है, एपीएसटी हमारा जो 7-8 लाख पॉपुलेशन है, हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे काफी फंड भेजते हैं। अब देखिए एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कमती है। अब देखो इतना रुपया से जो आता है, जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे और बिजनेसमैन भी करेंगे, और साथ ही साथ उनका परिवार का काम करेंगे, तो बाकी हमारा आम जनता कहाँ जाएंगे? अब देखिये जो कोविड लास्ट और उनका जो जो अधिकारी सरकारी अधिकारी होते हैं, उसका जैसे चीफ इंजीनियर होता है, उसका डायरेक्टर होता है, उनका जो
फाइनेंशियल अकाउंटेंट ऑफिसर होता है उनका साथ में ये मिलके पूरा सारा कंटेक्ट करता है बिजनेस करता है। जो हमारा आम जनता लोग कहा जाएंगे अब उसके देखिए हमारा नरेंद्र मोदी जी हमारा जो स्टेट को अरुणाचल प्रदेश को काफी प्यार करता है। प्यार करते हुए हमारा एक छोटा सा राज्य से हमारा जो कानून मंत्री भी हम लोग को दिया गया है और साथ में फंड इतना ज्यादा भेजता है। आप इमेजिन करके देखिए 14 लाख पॉपुलेशन में हर महीना में आपका तो 2500 रुपए जाते हैं, 4000 रुपए जाते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? मैं वही बोलूंगा, बहुत बड़ा सवाल है भाई बंजोरुंग जी, जो अगर इतना बड़ा बजट अलॉट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के लिए फिर वो आखिरकार पैसा जाता कहाँ है अगर जनता की सुविधाओं के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है? प्रिया ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिया मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने सवाल किया है तो ये लोग उसी ये वही जनता है जो उस मांगों को लेकर यहाँ पर बैठी है कि इनका सिर्फ यही कहना है कि जांच कराई जाए, सीबीआई और ईडी की जांच कराई जाए और जो पाक साफ हो वो चीजें सामने आए। तो देखिए लगातार इन लोगों ने मांग भी की, जैसा इन्होंने बताया इनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे। और भी लोग हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुम्मर ओरी। कितने दिनों से आप धरने पर यहाँ बैठे हैं? 25 से हम लोग बैठ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार तक आवाज पहुंच पाएगी आपकी? पूछना जरूर चाहिए। जब तक नहीं पूछेगा हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे, जब तक सीबीआई। देखिए प्रिया यही उम्मीद है जो इन लोगों को मजबूत खड़े किए हुए हैं। आप जिनसे भी बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आवाज पहुंचनी तो चाहिए केंद्र सरकार तक, और हमारी भी यही कोशिश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इनकी आवाज सरकार तक पहुंचा पाए और जो इनकी मांगे कम से कम एक बार सुनी तो जाए। जहां पर अगर ये सीबीआई और ईडी की जांच की मांग कर रहे हैं तो अगर जरूरत लगती है तो करवाई जानी चाहिए, यही हमारे कार्यक्रम का मकसद है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाइबंग जोरुंग जी, रेखा निंगू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और मकसद हमारा यही इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे और किसी निष्कर्ष तक ये पूरा मुद्दा पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।